हाय एवरीवन, प्रणव दिस साइड। सो आज का ये सेशन होने वाला है स्पेसिफिकली फॉर नीट 22 एंड 23 एस्पिरेंट्स के लिए। बुक रिसोर्सेज और प्रिपरेशन को लेकर के कि कौन से रिसोर्सेज तुम्हारे लिए बेस्ट रहेंगे फॉलो करने के लिए, बिकॉज वही है ना कि एक बार एक रास्ता पता चल जाता है तो चलना, तो फिर तुम जितना मेहनत करो फिर उतना अच्छा रिजल्ट करते हो, बिल्कुल है ना। तो अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड विद एनीथिंग, एक बड़ी खास जानकारी कि एक नई बैच मंजिल बैच के नाम से स्टार्ट हो रही है फॉर नीट 23 एज वेल एज 22, जिसमें फिजिक्स का पार्ट आशीष दीवान सर यानी बाबा सर पढ़ा रहे होंगे, केमिस्ट्री का पार्ट रवि सर पढ़ा रहे होंगे और बायोलॉजी मैं पढ़ा रहा हूँगा, ठीक है। ये 26 यानी आज से स्टार्ट हो रही है ये वाली बैच, इसमें बायोलॉजी की क्लासेस 4 जून से स्टार्ट होंगी अन अकेडमी प्लस के ऊपर, ठीक है। इसके बाद एक और बहुत खास इन्फॉर्मेशन तुम्हारे सबके लिए कि एक खास बैच और आ रही है 1 जून से, दिस इज़ फॉर नीट 2021 एस्पिरेंट्स, वन शॉट बायोलॉजी फाइनल लीव, तो वन शॉट रिवीजन की एक क्लास में एक चैप्टर थॉरोली हम कर रहे होंगे। और एक और चीज़, फ्री ऑफ कॉस्ट एक नई टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो रही है फ्रॉम सैटरडे एट 1 PM ऑनवर्ड्स, तो 1 to 4 PM एक फुल लेंथ मॉक पेपर होगा जिसमें हम थॉरोली, तो मतलब ऑब्वियसली ऐसे नीट का पैटर्न होता है, बस CVT में होगा, नहीं कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो तुम मोबाइल ऐप पर भी जा करके टेस्ट दे सकते हो, तो ज़रूर से दो ये टेस्ट को, अपॉर्चुनिटी है तो यूज़ करो। और इसकी डिटेल एनालिसिस भी फ्री लाइव क्लासेस में होगी, ठीक है। बाकी अनअकैडमी प्लस के बारे में तुम बहुत अच्छी तरह जानते ही हो, अनअकैडमी प्लस का अपने पास प्लस सब्सक्रिप्शन है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, यू कैन गो फॉर एनी ऑफ द थिंग यू वांट। 11th वाले बच्चों को आइकॉनिक रिकमेंड करूंगा, जिसमें तुमको एक पर्सनल मेंटोर मिलता है और तुम ज्वाइन करते वक्त इनमें से ऑब्वियसली अगर 11th में हो तो 2 साल का, 12th में हो तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन पे ज्वाइन करो और प्रणव लाइव ये कोड अप्लाई कर लेना, ठीक है। तो ये थी थोड़ी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लिए काम की, जो तुमको आगे के कोर्सेज में हेल्प आउट करेगी। अब आते हैं हम लोग मुद्दे के ऊपर। तो अपना जो असली मुद्दा है आज का, वो है कुछ ऐसा कि बुक रिसोर्सेज, या मैं कहता हूँ रिसोर्सेज कौन से फॉलो करें कि बेस्ट रिजल्ट आए एकदम, ठीक है। मैं बस यहाँ पर रिसोर्सेज लिखूंगा, सब्जेक्ट का नाम बोलूंगा और शॉर्ट वीडियो रहेगी जिससे तुमको प्रिसाइजली बता दूँ। सबसे पहला रिसोर्स के बारे में बात करता हूँ, बायोलॉजी, ठीक है। अब यार इसमें मेरे सामने दो रास्ते हैं, या तो तुमको बहुत भारी भारी रिसोर्स बता दूँ और तुम पागल हो जाओ, बहुत सारा कुछ पढ़ लो मगर सिलेक्शन ना हो, तो ये तो मैं नहीं चाहता। तो बायोलॉजी में अगर कोई किताब खरीदनी है, या एक किताब ऐसी जिसके बिना सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, वो माई बाप भगवान का नाम है NCERT। कोई रिफरेंस बुक बायोलॉजी में लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसको लिख करके ले लो, कोई फलाना ढिमकाना बुक, मैं किसी बुक का नाम नहीं ले रहा, कोई रेफरेंस बुक की नीड की कोई ज़रूरत नहीं है तुमको, ठीक है। NCERT को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ठीक, ये पहला स्टेप। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस के लिए कौन सी किताब चाहिए, तो यार PYQs के लिए तुम कोई सी भी बुक फॉलो कर लो, ऑनलाइन भी सारे PYQs मिल जाते हैं, तो उसका कोई दिक्कत है नहीं। प्रैक्टिस के लिए एक बुक आती है, अगर तुम हार्ड कॉपी तलाश रहे हो, बिकॉज हाँ देखो जितना भी ऑनलाइन प्रैक्टिस कर लो, हार्ड कॉपी का मजा तो अपना है, वो मुझे भी पता है। तो अगर हार्ड कॉपी में कुछ बहुत बढ़िया किताबें, जैसे एक किताब आती है एम फॉर एम्स की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है, NCERT सेंट्रिक क्वेश्चंस हैं, एसर्शन रीजन वगैरह की, बहुत अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी देता है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये ले सकते हो। या तुम और भी बहुत सारी बुक्स हैं, जो भी तुम प्रैक्टिस के लिए प्रेफर करो, मेरी तरफ से NCERT कर लो, एम फॉर एम्स वाली बुक की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लो, MTG वाली बुक भी तुम कर सकते हो। मतलब देखो प्रॉब्लम ये है ना कि यार बाकी सारे पब्लिकेशन में कुछ कुछ मिस्टेक्स बहुत सारे रहते हैं, तो एम फॉर एम्स अपने लिए रखो हार्ड कॉपी। बाकी अगर तुम मेरे साथ क्लासेस फॉलो कर रहे होगे, तो हम लोग क्लास में बहुत सारे फ्री PDFs अवेलेबल हैं, उनको फॉलो कर लो, डेट विल बी मोर देन एनफ फॉर यू, ठीक है। तो इतना सारा कॉन्टेंट अवेलेबल है, हार्ड कॉपी में ये बुक रखना, ये अच्छी लगती है बुक, क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हैं, एसर्शन रीजन लाइन बाय लाइन NCERT, ठीक है। तो बायोलॉजी में इतना कर लो। और एक जरूरी चीज, क्योंकि यार देखो इन 90 में से ना क्या बोलते हैं 85 क्वेश्चंस, मतलब तो मिनिमम इतने तो आने ही आने हैं NCERT से। मान लेते हैं कि अपन कह लेते हैं 80, मतलब इस बार तो 90 में 90 आए थे, खैर तो मान लेते 88-89 NCERT से आते, एक दो बाहर से आ गया मान लेते हैं, ठीक है। उस सिनेरियो में क्या करें, वो कहाँ से पढ़े, तो इसके लिए ना हर सब्जेक्ट में एक स्पेसिफिक टीचर पकड़ना बहुत ज़रूरी है, जो तुमको जो चाहिए वो बता दे। अगर मेरे साथ कर रहे हो तो तुमको जो NCERT से एक्स्ट्रा कॉन्टेंट लगता है, वो भी हम क्लास में ही कवर कर रहे होते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है ना। तो उस पर तुम आराम से ध्यान दे के कंटिन्यू कर सकते हो। तो NCERT खुद करनी है, क्लासेस फॉलो कर रहे हो तो अभी नई बैच आ रही है, उसमें क्लासेस फॉलो कर लो, जो तुमको चाहिए और उससे ज़्यादा जो ज़रूरत होता है, जैसे कुछ चीज़ें सीखने के लिए कुछ एक्स्ट्रा जो नीड होता है, वो चीज़ तुमको क्लास में सिखा करके दे दिया जाएगा बिल्कुल से, ठीक है। क्योंकि देखो NCERT टॉक्स इन मिस्टीरियस वेज, उसको खुद पढ़ के समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बार कोई पढ़ा दे, उसका सारा क्रक्स समझा दे, और फिर पढ़ना बड़ा आसान है। तो NCERT पढ़ने जाने से पहले किसी से एक बार समझ लो, वो किसी तुम्हारा अपना चॉइस है, क्योंकि आज मैं रिकमेंड करने आया हूँ बुक्स तुमको, मेरे साथ
पढ़ते हो तो कोई टेंशन है ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसका कोई लोड मत लो, यकीनन जाके कुछ रिकॉर्डिंग्स वगैरह करो, तुम फील करोगे कि एनसीईआरटी को पढ़ा कैसे जाता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग फिजिक्स के ऊपर आते हैं, ठीक है। मैं यार ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं तुमको एकदम ऑनेस्ट एडवाइस दूंगा कि यार फिजिक्स थियोरी के लिए खुद मत पढ़ो थियोरी। अभी तुम 11th में हो या 12th में हो, प्लीज़ ऑप्ट फॉर एन अमेजिंग टीचर, नॉट डेट कैन बी एनी वन, देर आर अमेजिंग टीचर ऑन एन अकेडमी, आई मीन तुम जहाँ से फॉलो कर रहे हो और भी बहुत सारे जगह पर बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। तुम एक बढ़िया सा टीचर पकड़ो जो क्या करेगा, तुम्हारा कॉन्सेप्ट बनाएगा। बिकॉज फिजिक्स ऐसी चीज़ है ना कि एक बार देखो, फिजिक्स का ऐसा बायो जैसा अप्रोच नहीं कि हाँ भाई 10 बार पढ़ेंगे तो बहुत ये हो जाएगा। थियोरी थियोरी पूरा तो है नहीं, कंसेप्चुअल है। तो वो टीचर जो है कॉन्सेप्ट बिल्डअप करता है, और एक टीचर अपने आप में सारी किताबों का एकदम कहते हैं ना, सारी किताबों का समागम हो रखा है कि सब कुछ उसने पढ़ रखा है, सब कुछ उसके दिमाग में, तुमको कन्वे कर देगा। तुमको प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, एनसीईआरटी रीडिंग ऐसा चीज, टीचर से पढ़ लो कंसेप्ट आ जाए फिर प्रैक्टिस पे ध्यान दे लो। आई वुड हाईली रिकमेंड डीसी पांडे, ठीक है। मेरी थोड़ी पेन के साथ इश्यूज हैं तो मैं बता रहा हूँ तो उसको सुनते चल जाना, यहाँ थोड़ा पेन लिखने में दिक्कत हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ ग्लिच है। खैर, तो डीसी पांडे की कौन सी राइटिंग में लिख रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ तुमको फिजिक्स में कौन सी बुक फॉलो करो, ऐसी सुन लो। डीसी पांडे फॉलो करो, आईटी जेई की भी ले लो, नीट की भी ले लो, दोनों के क्वेश्चंस लगाओ बढ़िया से। जब एक टीचर से कॉन्सेप्ट पढ़ लो तो उसके बाद कंटिन्यू करो, डीसी पांडे लगाओ। नीट वालों के लिए एचसी वर्मा एच सच करने की कोई ज़रूरत है नहीं, तुम्हारे लेवल के सारे क्वेश्चन डीसी पांडे लगा लोगे, कॉन्सेप्ट कर लोगे, बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें, ठीक है। एचसी वर्मा और ईरोडॉफ तक जाने की कोई नीड नहीं है तुमको, ठीक। नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, हाँ जानकारी के लिए बहुत अच्छा, बट वही है ना कि कम जानो बढ़िया रिजल्ट करो और जल्दी निकल लो, ज़्यादा जानो रिजल्ट एक दो चार बार ऊपर नीचे करो, बहुत ज्ञान की प्राप्ति कर लो और लेट कॉलेज में पहुंचो तो फिर सारा गाड़ी लेट हो जाता है, ठीक है। तो वही कम जानो ज़्यादा बढ़िया स्कोर करोगे और बढ़िया निकल लोगे, ठीक है। तो इस पर फोकस करो हमेशा इसी मोटो के, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ये, इमोशनल एग्जाम नहीं कि यार ये भी पढ़ लेते हैं सारा पढ़ लेते हैं एकदम से दिमाग पूरा, अल्टीमेट ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी ना, ये सब नहीं करना, ठीक है। फोकस्ड रह के काम करना है, जितना चाहिए उतना पढ़ना है और निकल लेना है एकदम, ठीक है। थोड़ा कान वान बंद रखने की, यार एक्स्ट्रा आ रहा है नहीं, बस जो काम का है वो पढ़ें। और इसीलिए टीचर की नीड है, क्योंकि खुद पढ़ोगे तो पता नहीं ना कि हाँ ये काम का है ये काम का नहीं है, ऐसा पढ़ना है वैसा पढ़ना है, तो एक टीचर ही तुमको बता सकते हैं। तो 11th 12th में तो यार एक बार किसी टीचर से प्रॉपरली पढ़ना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ स्टडी पे जाने से पहले, ये मेरा मानना है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। तो केमिस्ट्री के रिसोर्सेज की अगर मैं बात करता हूँ, यार पेन चल जा अच्छी तरह से, हाँ, तो केमिस्ट्री के रिसोर्सेज के बारे में बात करता हूँ। तो फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिक्स वाला अप्रोच है कि किसी से एक बार पढ़ लो। ऑर्गेनिक में एक बुक मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मैंने खुद ने जो पढ़ी है मैं वही बताऊंगा, ठीक है। अगर मैं कोई कुछ काम खुद नहीं करता है ना, तो वो मैं बताने के लिए मोरल राइट ही नहीं रहता बिल्कुल से। तो अब ऑर्गेनिक के लिए एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है, मेरी खुद की केमिस्ट्री बड़ी ख़राब थी, ऑर्गेनिक समझ आता नहीं कि यार कहाँ से ये रेडिकल घूम रहा है, तो स्टेबिलिटी रीजन है, तो यही प्रोडक्ट क्यों बनेगा, फलाना ढिमका, बहुत दिक्कत। एक किताब आती है, मतलब बहुत रेयरली शायद इसको लोग रिकमेंड करते, मैंने पढ़ी थी, मतलब मुझे ये मिली थी, बहुत मोटी तगड़ी बुक है, ठीक है। ये मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कॉन्सेप्ट्स ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक बुक आती है, जगदम्बा सिंह इसके ऑथर हैं, ये मैं लिख दे रहा हूँ तुम्हारे सामने। ये बुक खोजना अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज मतलब दिस इज रियली अ नाइस बुक, ठीक है, जगदम्बा सिंह। अब इस बुक का बेस्ट पार्ट क्या है, देखो बहुत सारे फॉरेन ऑथर्स, बहुत अच्छे अच्छे ऑथर्स की और भी किताबें हैं, मैं बस एक ये बुक इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज इसकी लैंग्वेज बहुत सिंपल है और अंडरस्टैंडेबल है, कभी पढ़ना है इस बुक को, बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है और क्वेश्चन सेट बहुत सारा है, मतलब एक टॉपिक को बहुत सारे सब टॉपिक्स में स्प्लिट किया गया है, सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं, उसके बाद डिटेल में हर रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझा रखा है, हर चीज़ के पीछे का लॉजिक बता रखा है, और ये खुद पढ़ के समझ आ जाने वाली चीज़ है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये बहुत अच्छी किताब है, अगर रेफरेंस के लिए रखोगे, मैंने तो पूरी किताब पढ़ी थी, तो आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि अगर टाइम तो है तुम्हारे पास ऑब्वियसली तो पढ़ डालो इस किताब को, फायदे में रहोगे। और ये कंसेप्ट बिल्डअप में बहुत जरूरी है, केमिस्ट्री में नीड पड़ती है तो डुबो देती है केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक का रहता है तो ऑर्गेनिक तो तुमको ये बताए, और फिजिकल में जाकर के कोई स्ट्रिक्टली किसी टीचर को फॉलो करो और फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, फिजिक्स जैसा अप्रोच है, ठीक है। और उसके बाद रहता है इनऑर्गेनिक, बड़ा बोरिंग रट्टा मार है, कोई एक्स्ट्रा किताब मत फॉलो करो, एनसीईआरटी की इनऑर्गेनिक जितनी बार पढ़ सकते हो रट डालो, हर एक लाइन रटी होनी चाहिए, हर एक फैक्ट रटा होना चाहिए, हर एक एक्सेप्शन रटा होना चाहिए जो एनसीईआरटी में है, बिकॉज यही हुआ 2020 में भी, लाइनों लाइनों पे सवाल आए हैं, एक लाइन उठाया ये क्वेश्चन एमसीक्यू ऐसे ही आता है क्वेश्चन, तो सिर्फ एनसीईआरटी का फिजिकल के लिए इनऑर्गेनिक के लिए लाइन टू लाइन कर लो, डेट विल बी मोर देन एनफ फॉर यू, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पहले तो मैं कहूँगा मॉडर्न केमिस्ट्री बाय जगदम्बा सिंह करो, कॉन्सेप्ट्स ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके बाद एनसीईआरटी की रीडिंग करो, इसके बाद एनसीईआरटी के देखो इसमें बहुत सारे रिएक्शंस होंगे, इररिलेवेंट भी होंगे, ठीक है, लेकिन जब तुम फिर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो
तुमको समझ ज़्यादा आएगा, और फिर एनसीईआरटी के सारे रिएक्शन एकदम एक अलग जगह लिख के उन पे ज़्यादा ध्यान दे लो, और कंसेप्ट बिल्डअप मॉडर्न केमिस्ट्री तुम्हारी कर ही देगी बिल्कुल, ठीक है। तो केमिस्ट्री में इतना फॉलो कर लो, तो केमिस्ट्री बता दिए, फिजिक्स बता दिए, बायोलॉजी तुमको बता दिए, तो मेजर बुक एंड रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज की बात करते हैं, काफ़ी बच्चे एक चीज़ पूछते हैं सर कोचिंग और नो कोचिंग, ठीक है, बस एक चीज़ बड़ा सीरियस एस्पेक्ट है सर, कोचिंग चाहिए कि बिना इसके भी हो जाएगा। देखो एक बड़ी सिंपल, यह मेरी पेन नहीं चल रही आज, पेन ने धोखा दे दिया, चलो कोई बात नहीं। तो कोचिंग और नो कोचिंग बड़ा सीरियस बात है। देखो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि कोचिंग से ही सिलेक्शन होता है, बिना कोचिंग के भी बहुत अच्छी तरह से बढ़िया रिजल्ट करके लोग निकल सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। फ़र्क कहाँ होता है कि अगर एक चीज़ को पढ़ने में तुमको एक घंटा लग रहा है खुद से, हो सकता है किसी के पढ़ाने पे वो तुमको 15 मिनट में समझ में आ जाए। तो ये जो तुमने 45 मिनट का एक्स्ट्रा लेबर किया, ये वेस्ट नहीं होता है, ये तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग ही डेवलप करता है। मगर यार ये एग्ज़ाम थोड़ा डिफरेंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, और इसमें एक टीचर का गाइडेंस मिलता है ना, एक टीचर तुमको पढ़ा के देता है, तो तुम्हारा समय भी बचता है, जो तुम गलतियां करने वाले होते हो वो टीचर पहले ही बता देता है, तो तुम उन चीज़ों से समय बचा। एक दो अप्रोच होते हैं ज़िंदगी में, या तो खुद सारी गलतियां करके सीखो, उसमें टाइम लगता है, ये मतलब एक कन्वेंशनल वे है, और एक कि हाँ भाई टीचर बताएगा कि देखो इसमें ये गलती होती है, ये ऐसे करना होता है, इसमें यही अप्रोच करो नहीं गलत कर दोगे, है ना। तो ये जब तुमको पता होता है तो यही कोचिंग और नॉन कोचिंग में डिफरेंस क्रिएट करता है, तुम्हारा टाइम बचता है, एंड टाइम इज़ एवरीथिंग इन टुडेज़ वर्ल्ड, है ना। तो टाइम बचेगा, तुम ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे और बढ़िया काम करोगे, ठीक है। तो टाइम को बचाना और बहुत अच्छा रिजल्ट करने की तरफ यही कोचिंग हेल्प करता है। नहीं ऐसा किसी जगह पर नहीं लिखा कि कोचिंग के बिना सिलेक्शन, तो हो सकता है समय जो है तुमको ज़्यादा डिवोट करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और राइट डायरेक्शन में करना पड़ेगा, बिना किसी ऊटपटांग डाइवर्जन के, ठीक है। तो ये चीजें रखो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था रिसोर्सेज को लेकर के। अच्छा बाकी रिसोर्सेज की बात है तो पढ़ें कहां से, कोचिंग लें तो अनअकैडमी पे क्या कर सकते हैं। देखो अनअकैडमी पर फ्री कोर्सेज भी हैं, ठीक है, प्लस कोर्सेज भी हैं। अनअकैडमी यूट्यूब पर भी डेली सारे टॉप एजुकेटर्स क्लास लेते हैं, अनअकैडमी सेपियंस हुआ, यहाँ नीट मास्टर हुआ, हर जगह पर सारे टॉप एजुकेटर्स क्लास लेते हैं। तो अगर तुम फ्री क्लासेस से भी ऐसा नहीं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट ईयर काफ़ी सारे बच्चे 670 लेकर के आए थे 720 में, वो फ्री क्लासेस फॉलो करते थे, ऐसा नहीं, प्लस वाले भी लेके आए, फ्री भी लेके आए। देखो इसको लाना है ना, वो बच्चे बच्चे की बात होती है और उसकी मेहनत के ऊपर सारी बात होती है। हाँ लेकिन वही प्रपोर्शन बदलता है कि हाँ भाई प्लस पे ज़्यादा बच्चों ने अच्छे नंबर लाए, बिकॉज ज़्यादा बच्चों को हम पर्सनली बताते थे, है ना, मतलब कैसे कैसे क्या करना, हर स्टेप बाय स्टेप की गाइडेंस। तो लेकिन तू फ्री में भी कर सकते हो, नो डाउट, ठीक है। तुम्हारे पास नीट मास्टर चैनल हुआ, अनअकैडमी सेपियंस हुआ, तो इन सारे चैनल्स को तुम फॉलो कर सकते हो जिस पे तुमको बहुत अच्छा फ्री कॉन्टेंट मिलता है। खाली अनअकैडमी नहीं, बाकी भी बहुत सारे चैनल्स हैं तो बहुत बढ़िया कॉन्टेंट ऑफर कर रहे हो, तो उनको भी फॉलो कर सकते हो, बस तुम्हारा भला होना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। और अगर तुमको पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में चाहिए, टाइम सेवर और बढ़िया रिजल्ट एश्योर्ड वाला पॉइंट, तो तुम प्लस पर भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री में अपने आप से सारा काम करने में, और यहाँ पर तुमको डिसिप्लिन बना दिया जाएगा अपने आप। कोई भी स्ट्रक्चर्ड कोर्स, किसी भी स्ट्रक्चर्ड कोर्स की एक खास बात होती है कि एक डिसिप्लिन डेवलप करता है, और डिसिप्लिन ही रिजल्ट बनाता है, ध्यान रखना। अगर नहीं है कि आज हम ये पढ़ रहे हैं कल वो पढ़ेंगे, कुछ पता ही नहीं क्या पढ़ रहे हैं, फिर बहुत दिक्कत। तो प्लस एक स्ट्रक्चर देता है, तो ये डिफरेंस है। तुम फ्री कोर्सेज भी फॉलो करो, प्लस कोर्सेज भी फॉलो करो, जो तुमको